बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 5 में एंटर हो चुके हैं, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपनी बड़ी बेसिक सी मॉडलिंग को स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग एक चंद एक कमांड्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम लोग अपनी डिज़ायर ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने चेयर्स बनाई थी, हम लोगों ने स्टूल बनाया था, हम लोगों ने तकरीबन वही कमांड्स पढ़ी थी जो कि हम लोगों ने उन्हीं कमांड्स के थ्रू हम लोगों ने उन चीज़ों को बनाया था जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकते हैं मैं आपको लेक्चर में ना बताऊं, लेकिन इन कंटिन्यूसली वो आपके पास आएंगी, यानी कि इन फ्यूचर आपके पास वो कहीं पे भी यूज़ होंगी। जैसे आपके पास आज एक है कंस्ट्रेन है, ठीक है, एच कंस्ट्रेन क्या होता है, फेस कंस्ट्रेन क्या होता है, नॉर्मल्स क्या होते हैं, ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर जो सेल्फ लर्नर होते हैं 3ds Max के, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो मॉडलिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। लेकिन ये वो 3-4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके मॉडलिंग के प्रोसेस को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। मतलब अगर उनको ये टेक्निक्स का पता और इन टूल्स का पता हो तो वो अपने जो एजेस के फ़्लो हैं और अपने दूसरे नॉर्मल्स के जो फ़्लो हैं उनको बड़े आराम से मूव वगैरह करवा सकते हैं। अटैच का वैसे मैं आपको बता देता हूँ अटैच का क्या मतलब होता है। अटैच का मतलब होता है किसी दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट ए को बी के साथ अटैच करना, तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। डिटैच का मतलब यही होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डिटैच करना, या पॉलीगॉन को भी आप डिटैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी है स्लाइस प्लेन, क्विक स्लाइस, कट और चैम्फर, इन चीज़ों को हम लोग अपने इन्हीं लेक्चर्स के अंदर कवर करते हैं। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जिस फेस में दाखिल हो गए हैं लेक्चर नंबर 5 में, बहुत तेज़ी से हम लोग जा रहे हैं, उसके अंदर अब ये है कि हम लोगों ने थोड़ा सा जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो हमारे पास हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो आज इस ऑब्जेक्ट को मैं आपके पास लेके आया हूँ जिसको हम लोगों ने मॉडल करना है, इंशाल्लाह ताला हम लोग मॉडलिंग करेंगे। तो वैसे तो ये मेरी सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी है, अगर आप लोग मेरी पुरानी सीरीज़ के अंदर आएंगे तो वहाँ पर मैंने इसका प्रॉपर एक प्रोसेस बनाया बताया हुआ कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। वहाँ पर एक मैंने अलग प्रोसेस से इसको बनाया ड्रमस्टर को, लेकिन यहाँ पर मैं ज़ाहिर है एक अलग प्रोसेस लूँगा, बड़ा बेसिक सा लूँगा ताकि आप लोग आराम से इसको मॉडल कर सकें। तो अब इसमें सिलसिला ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, क्लियर नज़र आ रहा है सबको, ठीक है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। ये एक बिन है, ड्रमस्टर भी कहते हैं, गार्बेज बिन भी कहते हैं इसको। तो आपके पास एक बिन ऐसा है जो कि ज़्यादातर लोगों ने इस तरह का देखा होगा, ठीक है। ये आपके पास एक बिन है, इसके ऊपर दो फाइबर के कवर होते हैं और इसके बाद ये सारा का सारा लोहे मेटल का होता है, और इसके अंदर नीचे चार पहिए लगे हुए होते हैं। थोड़ा सा पुराना वाला अगर हम देखें तो इसके जो कवर हैं वो ख़त्म हुए हुए हैं और किसी ने गिरा दिए हैं, हाँ जी। और ये आपके पास बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, बिल्कुल लश कंडीशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ एक ये भी बिन है। एक बिन का अगर डिज़ाइन देखें तो ये थोड़ा कनोपी टाइप का है, ऊपर से थोड़ी इसकी कनोपी निकली हुई है, बाकी तकरीबन वही चीज़ है। ऊपर से दो कवर इसके अंदर मौजूद हैं और इसकी थोड़ी सी अंदर डिटेल वगैरह यहाँ पर मौजूद है। तो खैर ये मैं आपको दे दूंगा प्रोजेक्ट फाइल, आपको ऑलरेडी मैंने वहाँ पर एक इस वीडियो के नीचे लिंक रखा होता है तो जहाँ पर आपके डाउनलोड प्रोजेक्ट फाइल्स आपकी होती हैं अवेलेबल, आप वहाँ से ये कर सकते हैं डाउनलोड। अब सिलसिला ये है कि आप हम लोगों ने कौन सा इस वक्त बिन को अडेप्ट कर रहे हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें मैं इसको और इसको देख लेता हूँ, तो हमारे पास तकरीबन ये एक अच्छा रेफरेंस है कि हम लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ही माइनर सी डिटेल्स हैं। तो हम लोग इस बिन को लेके चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसका बनाने का प्रोसेस क्या हो सकता है। हम बहुत ही बेसिक लेवल का बनाएंगे, एडवांस लेवल पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारी जो डिटेल्स हैं और जो हमारे पास जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो हम लोग उसको ज़रूर मॉडल करेंगे, क्योंकि वो कुछ तो ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर मॉडल हो सकती हैं। तो अपना रेफरेंस को मैं साइट पे ओपन करते हुए यहाँ पे मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट है और फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ ताकि मैं इसको देख सकूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप लोग एक और काम करना है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, वो ये है कि आप लोगों ने जाना है कस्टमाइज में। इसके बाद आप जाएंगे यूनिट सेटअप में, या यूनिट सेटअप में आपके पास ये मैट्रिक सिलेक्ट होना चाहिए, मैट्रिक के नीचे मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। एक है सिस्टम यूनिट सेटअप, सिस्टम यूनिट सेटअप को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेरा यूनिट, करंट यूनिट मेरा सेटअप ये चल रहा है, यानी कि हम सबकी फाइल्स ऐसी होनी चाहिए। क्यों? यूनिटी की ये डिमांड है, रिक्वायरमेंट यही है यूनिटी 3D की आपकी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स लेंगे। बॉक्स लेने के बाद हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं एक ख़ास स्पेसिफिक हाइट के अंदर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे राइट क्लिक, और इसके पहले हम लोग मैच कर लेते हैं, इसके पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। मेरे ख्याल है ये 2 मीटर का तो होता ही होगा, 3 या 3 6 फीट का तो होता होगा ये, या मेरे ख्याल से 2.5 मीटर, 1.5 मीटर का तो होता ही होगा ये, ठीक है। और ये जो इसकी ये जो डेप्थ है, ये तकरीबन 0.5। और इसकी हम स्पेसिफिक हाई टेक दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा थोड़ा कम कर देते हैं इसको, ऑलमोस्ट यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ। F4 प्रेस करने के बाद मुझे मेरे सेगमेंट्स नज़र आने लग जाएंगे। मैंने मूव टूल के ऊपर क्लिक किया, या मैंने W प्रेस किया, इसके बाद मैं H पे गया, और H पे आने के बाद मैंने अपने इस सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर की जानिब ले गया। अब ये ब्लॉकिंग के अंदर इसकी एक टेपर साइट आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टेपर है, मैंने इसीलिए इसको ऐसे किया, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको अंदर से खाली करना है। ये देखें, ये अंदर से खाली होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे आउटलाइन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्या करूँगा, मैंने इसको खाली करना क्या करूँगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं अगर तुमने जवाब दिया। अब ये असल में ना, और ये वर्ल्ड वाइड भी लोग सुनेंगे जो मैं बिस्ती करूंगा, वो तो आपने काम ही जबरदस्त कर दिया ना। लेकिन ये भी एक तरीका है, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। ये तो होगा, आप कैसे पता कि फेस डिलीट होगा, आपने पढ़ा है पहले? बस ठीक है, फिर थोड़ी बहुत मॉडलिंग आती है आपको, क्योंकि 9:15 लाइट चली जाएगी, मैं खुद ही कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक पॉलीगॉन सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा इंसर्ट। ये रहा, इंसर्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे एक्सट्रूड इनसाइड, ठीक है। ये अब एक्सट्रूड इनसाइड होगा। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, मैं आपको वैसे लेफ्ट व्यू में दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है, या फ्रंट व्यू में दिखाता हूँ। हम लोगों ने एक्सट्रूड तो कर दिया, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टेपर्ड था। टेपर होने की वजह से ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अलाइन कर देंगे, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो एक कमांड है यहाँ पर, आप इधर आएंगे एडिट ज्योमेट्री में, एडिट ज्योमेट्री में, एडिट ज्योमेट्री के बिल्कुल नीचे की जानिब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मेक प्लेनर। मेक प्लेनर क्या काम करता है, ये आपके किसी भी पॉलीगॉन को या वर्टेक्स को या एज को प्लेन कर देता है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस करूँगा तो ये एक्स एक्सिस की तरफ प्लेन कर देगा, मैं अगर जी एक्सिस की तरफ करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जी एक्सिस की तरफ प्लेन कर देगा, और मुझे यही रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे की जानिब ले जाऊँगा
और उसके बाद एक स्पेसिफिक हाइट के बाद मैं अपनी इस लाइन को इसके मुताबिक अलाइन कर दूंगा, ठीक। हम पर्सपेक्टिव व्यू में आ रहे हैं तो अब हम लोगों को एक ऐसी जगह नज़र आ गई जो कि एरिया एम्प्टी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे, इसकी जो दूसरी माइनर डिटेल्स हैं उसके अंदर हम जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक कवर आपको नज़र आ रहा है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक पूरा लूप ऐड करना है। हम लूप ऐड करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस अपने एज में। एज में जाने के बाद हम लोग एक एज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग रिंग पे क्लिक करेंगे। रिंग की शॉर्टकट की आल्ट आर है, रिंग की शॉर्टकट की क्या है, आल्ट आर है। मैं आइंदा रिंग जब कहूँगा तो आपके जहन में शॉर्टकट होना चाहिए आल्ट आर। आल्ट आर प्रेस कर रहा हूँ, आल्ट आर प्रेस करने के बाद मेरे पास पूरा रिंग बाहर की जानिब सिलेक्ट हो गया। आप लोगों ने ऐसे नहीं सिलेक्ट करना वरना अंदर के रिंग भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने बाहर का रिंग सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कनेक्ट की कमांड जो कि हमने कल पढ़ ली थी, कनेक्ट कमांड को हम लोग एक्टिव करेंगे और उसके बाद हम इसे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम लोग इसको ऊपर की जानिब ले जाएंगे, ठीक है। और एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉर्डर को हम लोग बना देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, पॉलीगॉन पे क्लिक करना है। एक पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब इसके ऊपर अगर हम लोग रिंग लगाएंगे तो ये रिंग ऐसे लगा रहा है। हम लोगों ने क्या करना है, पूरा लूप सेलेक्ट करना है। तो हम लोग एक पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं इस वाले पॉलीगॉन पे क्लिक करूंगा तो पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सट्रूड बटन कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको एक्सट्रूड अलॉन्ग टू अ पॉलीगॉन या एक्सट्रूड अलॉन्ग टू अ नॉर्मल, तो खैर नहीं चलेगा, पॉलीगॉन ही चलेगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने स्पेसिफिक एरिया को यहाँ पर एक्सट्रूड कर देंगे। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये जो एक्सट्रूड है ये सही तरह नहीं कर रहा। हम लोग फिलहाल अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होल्ड करते हैं और अभी हम इसकी दूसरी डिटेल में जाते हैं। तो अब इसको एक्सट्रूड करने का तरीका और होगा। आज हम लोग करेंगे इसको एक्सट्रूड अलॉन्ग टू अ नॉर्मल। एक्सट्रूड अलॉन्ग टू अ नॉर्मल क्या काम करता है, आपके हर नॉर्मल के अंदर से, ये आपका पूरा एक नॉर्मल होता है, हर नॉर्मल में से एक पॉलीगॉन को एक्स्ट्रा बाहर निकाल लेता है। इसके बाद थोड़ी सी आपको आप मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आपका एक 3D मॉडलर का एक काम होता है। वो ये होता है कि आपने ये करना है कि पहले इसको अलाइन करवा लेना सब जगह से, यानी कि फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, मैंने अपने इन वर्टिसेस को क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसको हल्का सा अलाइन कर दूंगा इसकी जाने। ये हो गया हुआ, ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने इन एरिया को फिल करना है। फिल करने के लिए आज हम देखते हैं कि क्या ब्रिज की कमांड काम करेगी इसमें। नहीं, ठीक है, अब ये काम हमें मैनुअल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम लोग इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग इन वर्टिसेस के ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक कमांड आ रही होगी वेल्ड, वेल्ड वेल्ड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने इसका जो थ्रेशोल्ड डेटा 1 पे आप देखेंगे क्या होता है। कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है यहाँ पर,
हाँ वरना नहीं होगा। वन। और अब ये देखें ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, हम लोग इस एक्स्ट्रा रूप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैकस्पेस कर देंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया वहाँ पर जहाँ पे हमें चाहिए था। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा अब इसके बाद ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ डिटेल्स होती हैं यहाँ पर, ये वाली डिटेल है आपको नज़र आ रही है, यानी कि एक इन्होंने पतरी सी लगाई हुई होती है इस जगह पर। हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे, हम लोग दोबारा से एक एज लूप पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट ऑल पे क्लिक किया, इसके बाद दोबारा कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको ओके कर दिया। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा ये टेढ़ी बन रही है, अब हमें टेढ़ी तो नहीं चाहिए, अब हमें किस सूरत में चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे मेक प्लेनर जी एक्सिस कर देंगे, और इसके बाद हम लोग इसको अपनी स्पेसिफिक पोजिशन पर ला के, इससे आसान मैक्स नहीं है ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ये दूसरे जो बनाते हैं वो इतना मुश्किल कर देते हैं इसको कि मैं बता नहीं सकता आपको। इसको दोबारा आप ऑल्ट आर करेंगे, इसके बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी है, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे कर देंगे। लिहाजा अब हम लोग यहाँ पर इसको लेके आ रहे हैं इन एक्सिस में, और अब हम लोगों ने अपनी इन पत्रियों को यहाँ पर निकालना है, ऑल्ट आर, इसके बाद मैंने क्या किया कनेक्ट, जी चारों साइडों पे होती है। असल में ना इसकी तरह थीम को समझो, ये चार चादरें होती हैं जो इन्होंने बांधी होती हैं। पॉलीगॉन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड अलोंग टू अ ग्रुप, कोई ऐसी कमांड मैंने नई नहीं लगाई अभी तक सिवाय प्लेनर एक्सिस के ठीक है। अब ये डिटेल डालें हम लोग, अच्छा इसने दो डाली है वैसे, किसी किसी जगह मैंने, हाँ ये दो हैं मैंने देखी थी। ठीक है अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, दो और ऐड करने हैं, यानी कि ये लाइंस दो में डिवाइड हो जाएगी। उसका तरीका ये होता है कि आप जाएंगे चैम्फर में, चैम्फर में जाने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर दो लाइनों में डिवाइड हो गई, इसको आपने क्या करना है, एक है दो तीन, आपने दो सेगमेंट्स कर दिए हैं यहाँ पर। दो सेगमेंट्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसके एरिया को थोड़ा सा कम कर देना है, पिंच कर देना है, और अब आपके पास कितनी है यहाँ पर सेगमेंट्स आ गए, तीन तीन आ गए। अब आप इसको पकड़ें और इसके बाद आप इसको पकड़ें ठीक है, आप इसको अंदर की जानिब ले जाएं। ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये है ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा तरीका ये है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, चैम्फर पे आप जाएं, आप एक ही को रहने दें, इसके बाद इसे कर दें आप ओके, देन आप क्या करें, आप इस पॉलीगॉन को क्लिक करें, और इसके बाद इस पॉलीगॉन को क्लिक करें, और आप लेफ्ट व्यू में आ जाएं एक दफ़ा, या फ्रंट व्यू में जो आपको इसकी साइड नज़र आ रही हो, आप इसे कर दें बेवल, और आप बेवल की वैल्यू कर दें 0, और आप इसको इनसाइड बेवल करें,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन वर्टिसेस पे जाना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, रीसाइज स्केल पे आए, इसको ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर दिया। इतना हजम कर लेंगे या आगे बनाऊं इसको? ये दोनों ही चीज़ें बना देता हूँ, सिर्फ दो रह गई हैं, ये बना ले दो यार प्लीज़। पॉलीगॉन पे जा रहा हूँ, मैंने इस पॉलीगॉन पे क्लिक किया, इसके बाद इस पॉलीगॉन पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सट्रूड अलॉन्ग टू अ फेस कर दिया है, और अब हम लोग इसको ओके कर रहे हैं। क्या कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पॉलीगॉन है, आ जाएगा यहाँ पर भी, खैर है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक थिकनेस है तो हमें आउटलाइन देनी पड़नी है, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, आउटलाइन दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे ब्रिज। क्योंकि अब ये अंदर से हाई पॉली बन गया, एक दफ़ा इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, डिलीट नहीं करना कभी भी, कंट्रोल बैक स्पेस नहीं, ये डिसॉल्व होता है। ठीक है, इनफ है। यार पहले ये तो बनाओ, अभी सिर्फ 20 मिनट हुए हैं यार, पूरे घंटे का लेक्चर होता है, मैं इसके कैप भी बना रहा हूँ। अच्छा, अभी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसे जा रहा है, आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट आए और इन वर्टिसेस के साथ जाके अटैच हो जाए और ये अपनी जगह भी ना छोड़े, तो इसका तरीका ये होता है कि आप इस स्नैप टूल पर राइट क्लिक करें, ऑप्शन में जाएं, इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट को ऑन कर दें। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, ये अपने एक्सिस के अंदर लॉक रहेगा। जो ऑटोकैड वाले हैं उनको ये समझ लें कि ये 3D में ऑर्थो है। ठीक है जी, ठीक है, आप लोग यहीं तक ही हजम कर लें क्योंकि आगे फिर एडवांस मॉडलिंग शुरू हो जाएगी।